हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये रहा आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए, क्या उनका इरादा है करेंट सिचुएशन में, और उनका एक्शन आखिर उनका इरादा क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इंटेंशन सही रखें और पॉजिटिव रहें। ये वीडियो आपके पार्टनर क्रश भी है, लवर भी है, एक्स भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, सोलमेट है या ट्विन है, सबके लिए है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए देखते हूँ आखिर उनका इरादा क्या है, सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या है। रिलैक्स हो जाइए, करंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है, क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एंजल स्पेस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आज की दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, जय महादेव, हरे महादेव, अर्थ मदर, फेरी मदर, ऑल आर्क एंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड एस्ट्रल मास्टर प्लीज गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम हरे हरे, सीताराम सीताराम, जय सियाराम सीताराम, जय हनुमान, जय सूर्यदेव बाबा, आदित्य बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है उनका इरादा करेंट सिचुएशन में। थंडर बोल्ड, कोई बात नहीं डियर, ये थंडर बोल्ड आया है और द लवर्स की एनर्जी आई है, डोंट वरी, घबराइए नहीं। ये थंडर बोल्ड इसलिए आया है कि एक रिश्ते की एक शुरुआत, एक चेंज आती हुई दिखाई दे रही है, डोंट वरी, घबराइए नहीं, ठीक है। ये जो भी हो रहा है कुछ एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके, बी पॉजिटिव और बी स्ट्रांग। देखिए द लवर्स थंडर बोल्ड के बाद क्या आया है, देखिए एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है, चिंतित ना हो, घबराइए नहीं, रिश्ते में एक न्यू वर्थ होने वाली है, डोंट वरी। बस यहाँ पे देखिए द फूल की भी एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, रिवर्थ की एनर्जी है। देखिए डियर, ये थंडर बोल्ड क्यों आया, हो सकता है कि किसी प्रकार का आपके पार्टनर के लाइफ में कोई परेशानी आई हो, हो सकता है ये थंडर बोल्ड कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपके लाइफ में भी चेंजेस लेकर आ रहा है व्यूअर्स, ये बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं, ये आपके लाइफ में चेंजेस भी आ सकता है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपका कहीं ना कहीं एक जो सोल है ना, जो ओल्ड सोल है, जो रो रहा है, तड़प रहा है, कुछ व्यूअर्स आपकी रिवर्थ होने वाली, आपको अपने आप में एक होता है ना ये नया जीवन देना। तो जैसे आप सेपरेशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, और चेंज यूनिवर्स क्यों कहते हैं, चेंज इसलिए कहते हैं कि आप ओल्ड सोल हो, सारे ओल्ड पैटर्न्स को छोड़िए, ओवर थिंकिंग को छोड़िए और अपने जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो अब देखिए ये थंडर बोल्ड क्यों आया है, रिवर्थ क्यों आया है, द लवर्स क्यों आया है और द फुल क्यों आया है। थंडर बोल्ड इसलिए आया है, ये टावर इसलिए आया है कि आप में और आपके रिश्ते में एक बदलाव हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए हो जाएं। तो आपके पार्टनर अब तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में है, ठीक है। तो अगर जिस प्रकार आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आया है, तो ये टावर मोमेंट आज भी आया है, जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज है और रिवर्थ है। मुझे लग रहा है डियर, ये 8-8 जो पोर्टल है, जो लियो एनर्जीज है, कुछ ना कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और 8-8 पोर्टल में कुछ बढ़िया भी होगा, ठीक है, कुछ आप लोग स्टैंड भी लोगे, कुछ सोचोगे, एक्शन लोगे, रिश्ते में भी कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी एनर्जी पे है, ठीक है। तो ये थंडर बोल्ड एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा है, या फिर आप अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते में जोरों शोरों से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, कहने का मतलब ये द लवर्स की एनर्जी जो है ये होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे की फीलिंग को समझना लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, लेकिन सोल हमेशा कनेक्टेड रहता है और वो फील करता रहता है। एक ईगोइस्टिक है और एक इमोशनल है, कहीं ना कहीं ईगो और इमोशनल के बीच में फाइटिंग होती है। जो थंडर बोल्ड यहाँ पे आया है डियर, ये एक दूसरे को करीब लेकर आ रहा है।
अगर इन्होंने आपके साथ फाइटिंग झगड़े किसी प्रकार का ब्रेकअप किया है तो अभी ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांग इन्हें डिसीजन लेना है, चेंज लाना है और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक रिश्ते की न्यू जन्म चाहते हैं, एक रिवर्थ चाहते हैं। आपको पसंद कर रही इनकी दिली इच्छा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे। इनका इरादा नेक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप दोनों के साथ कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आए जहां टावर आया है तो हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके ख्यालों में हैं और इमोशंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा फील भी कर रहे हैं और ये एनर्जी कह रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है। ये सिर्फ इस वक्त आपके बारे में सोच है, लेकिन किसी प्रकार का जो ये स्टक वाली परेशानी या टावर मूवमेंट है ये मत घबराइए कि ये टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आए। नो, ये टावर मूवमेंट जो भी आया है ये आप दोनों के लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आया है, क्योंकि देखो ये चेंज और रिवर्थ, द लवर्स द फूल, ये आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बढ़िया होने वाला है, इसलिए चिंता ना करें, बी पॉजिटिव रखें और पेशेंस रखें। डियर, 1-2-3 दिन क्या होता है, आप मैनिफेस्ट करें। जब आपको अपने खुद पर विश्वास है तो दुनिया की हर जंग जीत सकते हो, क्योंकि विश्वास में आप हो, विश्वास में गॉड है, विश्वास में आपकी अंतरात्मा है, विश्वास में शक्ति है। तो ये आपको सोचना है, फिक्र नहीं करना है, चेंज आ रहा है, रिश्ते की एक नई शुरुआत। 10 नंबर, एक साइकिल आप लोग की कंप्लीट हो रही है व्यूअर्स। किसी तरह का सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था काफी समय से, आप कहीं ना कहीं टेलीपैथी कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, गॉड के करीब जा रहे थे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, आप इस रिश्ते के बारे में जाने आप कि ये रिश्ता मेरा कैसा है, इंपॉर्टेंस है, या आप सोलमेट हो या ट्विन हो या डिवाइनली गाइडेड हो, या आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो डियर, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है, क्योंकि यह 10 नंबर रिवर्थ की है, एक न्यू जन्म की हो रही है। इस वक्त जो भी व्यूअर्स, अगर आप अभी भी सेपरेशन में हो तो मैं यहां कहना चाहूंगी अपने आप को चेंज कीजिए, ठीक है, अपने आप को चेंज करना यहां बहुत जरूरी है। और कुछ व्यूअर्स आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर रहे हो और चेंजेस आपकी रंग लाने वाली है, क्योंकि चेंज और रिवर्थ क्रिएटिविटी की एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स आप उड़ान भरने वाले हो, आपके पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे, डोंट वरी। और ये थंडर बोल्ट आप दोनों को मिलाने का काम कर रही है, कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। ये थंडर बोल्ट कहीं ना कहीं किसी प्रकार का टावर जो आया आपके पार्टनर को तो हिलाकर रख देगा, इस रिश्ते का एहसास होगा और चेंज भी आएगा। क्या बात है, अच्छी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, रिवर्स द फुल की एनर्जी, थंडर बोल्ट। तो थंडर बोल्ट घबराने की जरूरत है, थंडर बोल्ट आप लोग को मिलाने की एनर्जीज है, ठीक है, चलिए, अच्छी एनर्जी है। लेकिन जो सेपरेशन में बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है डियर, मैंने वो वीडियो बनाया है माइनस टैरो में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए आपकी एनर्जी कहाँ है, आप क्या फील कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, देख लीजिए। ये तो एक नई शुरुआत होने जा रही है, बहुत भी आपके रिश्ते की चेंज, बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, रिवर्थ, वाओ, आ रहे हैं, आप देख लो, इस दो दो कार्ड्स आ चुके हैं, इन्हें आपके साथ इंजॉय करना है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और इस वक्त देखा जाए तो इनका इरादा आपको लेकर है कि आपके तरफ स्टैंड लेना है, आपके तरफ एकदम इतनी फास्ट से दौड़ना है एक न्यू बिगिनिंग के लिए और रीयूनियन के लिए। तो आपके पार्टनर दो दो कार्ड्स आ गए डियर, द फूल का तो वो आ रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन आ रहे हैं, निकल रहे हैं हार्ट। देखिए बर्डन और प्रेशर, अगर इनके हेल्थ इश्यू हो रही थी, अगर नो कांटेक्ट में थे, अब आपके पार्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ऑफर करने वाले, कहा ना आप लोग में नो कांटेक्ट सिचुएशन सेपरेशन था, अब ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं और आपको आपके बारे में काफी सोच रहे हैं, किस तरह आपको मनाए, कैसे इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो। तो ये इनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं। व्यूअर्स क्या मैं बोलूं, अच्छी एनर्जी, पैशनेट भी है, चाहत भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। 3 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है व्यूअर्स, ठीक है, रिवर्थ, अपने अंदर वो पावर आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, आपसे जुड़ने के लिए,
यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग साइन है, वैसे तो लियो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 8-8 पोर्टल लियो एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। सबसे स्ट्रांग साइन है यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह और धनु। और यहाँ पे जो स्ट्रांग है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी मीन, कर्क और वृश्चिक, और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जहाँ तुला, कुंभ और मिथुन, ये यहाँ पे स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स। तो आपके पार्टनर के अंदर पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है, एक न्यू साइकिल आपके रिश्ते का स्टार्ट होने वाला है व्यूअर्स, ठीक है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स आपको अभी भी वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल भी हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन बहुत व्यूअर्स आप लोग के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। प्रेशर आपके पार्टनर का कम रहा है, इनके अंदर डर खत्म हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये रीयूनियन चाह रहे हैं क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। अब ये ज्यादा टाइम तक आपसे ये दूर नहीं रह सकते हैं। जिनके व्यूअर्स आपके पार्टनर की आपसे बातचीत हुई है, कॉल मैसेज आया है या फिर आप लोग की रियूनियन की प्लानिंग हो रही है, आपके पार्टनर ने कहा मैं आ रहा हूं, तो जरूर कमेंट में लिखिए। इससे क्या होता है कि लोगों की मदद भी होती है, कोई सेपरेशन में नहीं जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है और आपके लाइफ में आपके जो कर्म है उनका फल आपको जुड़ने लगता है। तो आप भी किसी की मदद करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर थोड़ा सा वेट करा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पैशनेट भी है, प्यार भी, अट्रैक्शन भी और रीयूनियन भी है। वाओ, नाइस, वेरी गुड। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। बस यहाँ डियर द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि सारे साइन आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर ज्यादा टाइम तक ये दूर नहीं रह सकते, आपको लेकर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, इमोशंस, प्यार, चाहत, पैशनेट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है और ये द फुल की एनर्जी में है, फन, मस्ती, मजा। लेकिन ये टावर मूवमेंट से घबराइए नहीं, अगर किसी के पार्टनर अभी भी सेपरेशन में है, हो सकता है वो टावर उनको हिला रहा है, उनके ऊपर बर्डन हो और आपको ये वेट करना चाह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स अगर आप सेपरेशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है, टावर और ये 10 of Wands, 3 of Wands थंडर बोल के साथ, हो सकता है बहुत व्यूअर्स आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, लेकिन हो सकता है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके पार्टनर खुद को नहीं बदल पा रहे, हो सकता है वेटिंग एनर्जी इसलिए आई है कि उनके लाइफ में कुछ प्रेशर है, बर्डन है और किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आया है, यहाँ ये स्टक और परेशान है। तो उनके पार्टनर थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है डियर, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही, हो सकता है अगले 3 weeks तक आपको इंतजार करना पड़े, ये भी हो सकता है अगले, मुझे लगा अगले 3 weeks कुछ व्यूअर्स आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 3-3 की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। किसी के लिए 10 days भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, मैं वीक्स नहीं जाऊंगी क्योंकि करेंट एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स आपको 3 weeks तक इंतजार करना पड़ सकता है, आपके पार्टनर के लाइफ में उनके दिल और दिमाग में जो चेंजेस आ रहे हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए। कौआ बोल रहा है डियर, आपके पार्टनर की मैसेज आ रही है, देखिए क्रो, गार्डियन एंजल, एंजल्स, देखिए आवाज सुनिए, ये संदेश है आप सबके लिए, हम सबके लिए, ये मैं जो गाइड कर रही हूँ, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप तक मैं मैसेज पहुंचा रही हूँ। तो बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि 3 of Wands भी है और यहाँ पे थंडर बोल्ड है, 10 of Wands है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेयर प्रार्थना कीजिए, तो अगले 3 दिन में भी आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है प्रेयर प्रार्थना कीजिए और आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जो अगर सेपरेशन है, टावर है, बहुत बर्डन है, तो अगले 3 weeks हो सकते हैं। अगर अच्छी एनर्जी रही आपके पार्टनर की, तो अगले 3 दिन में भी आपसे कॉन्टेक्ट और बात हो सकती है, कोशिश कर रहे हैं वो। तो आपके पर्सन के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, जिन लोगों की रीयूनियन हो रही है वो कमेंट में जरूर लिखे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।